वेरी गुड इवनिंग ऑल माई डियर स्टूडेंट और आप सबके लिए लव यू ऑल अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है DSSSB JEE की वैकेंसी आई हुई है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी आई हुई है, एक सिविल ब्रांच के लिए भी आई हुई है और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके रिगार्डिंग जो है अपन डिस्कशन जो करने वाले हैं, एक तो एज का डिस्कशन करने वाले हैं और एक सैलरी का डिस्कशन करने वाले हैं, क्या रहने वाली है सैलरी, उसे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लोगों का डाउट था वो ये था, सर क्या सब वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? ना, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको पता है एक्सपीरियंस लोग वैसे भी बनवा लेते हैं, आप जान ही रहे हो ये वाली चीज़, तो आपको जहाँ से भी आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूँ तो 116 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की और यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट है 4200 पे ग्रेड की जॉब है। कई लोग तो 4200 पे ग्रेड की जॉब है आपका ये और अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, एकदम ज़बरदस्त बढ़िया वाली सैलरी, प्लस क्वार्टर भी मिलेगा आपको। और तीसरी बात ये जो इसकी जॉइनिंग और पोस्टिंग जो मिलेगी आपको वो दिल्ली में मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है बात ये। और जो भी एज लिमिट जो भी है, जैसे और फॉरम में जो होती है ST के लिए SC के लिए, उसी हिसाब से इसमें एज लिमिट भी क्या है आपको बताया गया। ST के लिए यहाँ एज लिमिट के कॉलम भी मैं आगे बता देता हूँ, PDF का एज लिमिट का भी होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है बेटा, ग्रेड सैलरी भी अच्छी है, आपका क्राइटेरिया ये है 200 रुपये बस फॉर्म की फीस है, और क्या चाहिए बेटा, 100 रुपये फॉर्म की फीस है आपका। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, पोस्ट आपका मोड ऑफ सिलेक्शन ये है। मैं आपको बात करें यहाँ पर आपका एज की आप बात कर रहे हो, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की भी आप बात देख सकते हो, वे जनरल और EW उसमें 40% आना जरूरी है और OBC 35 और ST 30 है, मिनिमम क्वालिफाई हुए हैं जो आपके होने चाहिए। रिजर्वेशन भी है जो लोग अदर स्टेट के वैसे काउंट होंगे, इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PW ST SC के लिए आपको 15 साल है और PW OBC के लिए 13 साल। एक तो 4200 पे ग्रेड की ये जॉब है, ऊपर से ये एज रिलैक्सेशन ही है और जो आपकी पोस्टिंग मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो बिगर एक्सपीरियंस वाली जॉब को भर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं तो वो जाके बनवा लीजिए, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। कई लोग ऐसे बनवाते भी हैं बेटा एक्सपीरियंस में बता दूँ। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो जो डाउट है वो आपका पोस्ट कर देना। और तीसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, अपनी 9 बजे जो है आपका अड्डा 24/7 पर क्लास चलती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो अगर आपको पहले से आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। या फिर आपके फंडामेंटल अगर ढीले डाले हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फंडामेंटल ढीले डाले हैं या आपको कुछ सही ढंग से आपको नहीं आता है तो आप क्या करो, पेड बैच स्टार्ट हो रहा है DSSB JEE का इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो ये 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप इसमें एक बार एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद फिर हमारा काम रहेगा आपको एकदम बेहतरीन बनाना, आपका रैंक का सिलेक्शन करवाना, फिर हमारा काम रहेगा, आपकी सारी जिम्मेदारी जो हमारी रहेगी इसमें। और जब ये कोर्स खरीदें तो इस कोड का यूज़ करें BY310, जैसे आप इस कोड BY310 का यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा, एक 79% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और जैसे आपको जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के महापैक में जाना चाहें तो महापैक एक बेस्ट चॉइस होता है। जैसे आप महापैक में जाओगे तो DSSB JEE का तो एक्सेस मिलेगा ही आपको, साथ में जो RRB आने वाला है, जो भी इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के RRB जूनियर सेक्शन इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा, मॉक टेस्ट है, ये दुनिया भर का आपको एक्सेस मिलेगा इसमें महापैक में। तो मेरे हिसाब से आपको महापैक में जाना चाहिए, तो जो एक ईयर वाला जो महापैक है फिर आपको क्या है उसमें वैलिडिटी डबल वैलिडिटी है, वो 2 साल के लिए फिर वैलिड होगा, 2 साल के अंदर तो आपको बेटा सब कुछ आपकी कमांड हो जाएगी और रैंक भी आ जाएगी बहुत अच्छे।
मेरे हिसाब से जो अगर कोई सेपरेट अलग से बैच में जाना चाहे ट्रिपल एस पी में जा सकता है, तो मेरे अगर कोई चॉइस पूछे तो हम आपको महापैक में जाना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल का महापैक है वो इलेक्ट्रिकल के महापैक में जा सकता है इस कोड का यूज करके, और अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है तो वो भी कोड 22310 का यूज करके, कोड 22310 का यूज करके तो वो भी आसानी से किस में जा सकता है, आपको महापैक में जा सकता है। तो ये बेटा आपकी मेरे को अनाउंसमेंट करना था, यानी कि मेरे को लग रहा कि मेरे को आना चाहिए, क्योंकि अभी हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो इनका आप फ़ायदा उठा लीजिए। आगे मिले या नहीं मिले उससे कोई वादा नहीं है बेटा, अभी मिल रहा है तो अभी आपको ले लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। और बेटा मेरे हिसाब से जो महापैक ये जो पड़ रहा है, तो मैं आपको महापैक बोला है, ना के बराबर पड़ रहा है, लगभग आपका 1 साल का पड़ेगा लगभग 2600 रुपये का, और 2 साल का पड़ेगा लगभग 3500 रुपये। 3500 रुपये तो बेटा क्या है, आप कहीं रूम रेंट ले के रहते हो तो कुछ नहीं है, 3500 रुपये बात ही है। तो आपको देख लेना आप अपने हिसाब से, जिनको परचेज करना है बिना कोड के परचेज नहीं करें, कोड कर लगाने के बाद परचेज करें, जिससे क्या आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। तो इस कोड को एक बार मैं हाईलाइट और कर देता हूँ, जिससे क्या आपको आप क्या पैसों को फ़ायदा हो जाए। कोड 22310 यहाँ लिख रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है वो भी घबराए नहीं, वो ये नहीं सोचे मान लिया वैकेंसी नहीं आया, उनके लिए RRB जूनियर सेक्शन इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तो वो भी अभी से लग जाइए, अभी से लगोगे तभी काम चलेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप सबके लिए लव यू ऑल द बेस्ट।